करोड़ की दुबई की स्पोर्ट्स कार को छत से कूदा दिया इस मूवी के अंदर। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में विन डीजल पॉल वॉकर को एक रेड कलर की लाइकन हाइपर स्पोर्ट दिखाते हैं और इसके फीचर वगैरह बताते हैं, पर सामने का गेट बंद हो रहा होता है। जल्दी से हॉप इन करके ये सामने के गेट को तोड़ के पार्टी हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे इनके एनिमी एक्टर जेसन एक मशीन गन लेके बैठे होते हैं। इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी गाड़ी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ताकि ये फायरिंग डॉज कर ले, पर सडनली सामने खिड़की आती है तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के खिड़की को स्मैश करते हैं और हवा में गाड़ी हो जाती है। हेलो आई एम इन द स्काई। गाड़ी सामने वाली बिल्डिंग के एक अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाके लैंड करती है, पर वहां पे जाके पता चलता है गाड़ी की तो ब्रेक नहीं चल रही। पॉल वॉकर को पता होता है गाड़ी के डिस्प्ले के अंदर सीढ़ी है, तो इसलिए उसे स्मैश करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी की क्योंकि ब्रेक नहीं लग रही तो विन डीजल दोबारा गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं और गाड़ी को दोबारा खुदवाते हैं और तीसरी बिल्डिंग के एक ऑफिस में जाके लैंड करवाते हैं, जहां पे गाड़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। पॉल वॉकर ने गाड़ी की स्क्रीन पे मार मार के स्क्रीन ही खोल दी और अंदर से ड्राइव निकाल के दोनों बंदे बोर्ड कर देते हैं गाड़ी को। मिशन कंप्लीट। गाड़ी तीसरी बिल्डिंग से भी जाके नीचे गिर जाती है और जाके ठा करके स्मैश कर दिया। विन डीजल ऑलमोस्ट गिरने वाले होते हैं बिल्डिंग के टॉप से, पर गिरते नहीं और बढ़िया इन्हें अपनी सीढ़ी मिल जाती है।